स्वीट कॉर्न बनाने के लिए हमने ये स्वीट कॉर्न को उबाल लिया है। और देखिए ये बिल्कुल बॉईल करने के बाद ऐसे नरम हो गए हैं। और इसके लिए मैंने ये एक बारीक प्याज काट लिया है, दो हरी मिर्च काट लिए हैं, और ये एक बारीक टमाटर काट लिया है, और ये हरे धनिया की चटनी बना ली है। हरे धनिया की चटनी मैंने अपने चैनल पर पहले डाली हुई है, आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये एक नींबू का रस ले लिया है। तो चलिए अब स्वीट कॉर्न बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं एक बाउल में ये कॉर्न डाल लेंगे। इसमें ये बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, और अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसमें ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इस पे हरे धनिया की कुछ पत्तियां डाल देंगे। देखिए स्वीट कॉर्न बनके तैयार हैं। इनको बनने में मात्र 5 से 4 मिनट ही लगते हैं। ये बहुत इजीली बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए कॉर्न्स बनाना आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये कॉर्न्स बनके तैयार हैं।